जय हिंद बच्चों, एनके बॉबी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा सब आप सबको पता है कि मैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समास और संधि में क्या अंतर है, या संधि और समास में क्या अंतर है, या समास और संधि में क्या अंतर है, घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। तो बच्चों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा वीडियो है, अंत तक देखिएगा, बहुत सरल वीडियो है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि यह अंतर जो है ना, समास और संधि के बीच का जो अंतर है, दोनों की परिभाषा में ही यह अंतर छुपी हुई है। जैसा आप सब जानते हैं समास की परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास में क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। वहीं दूसरी तरफ संधि में वर्णों का मेल होता है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। समास में पदों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है, बस यही अंतर है। और जब कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, प्रश्न करे कि समास और संधि में क्या अंतर है, तो स्पष्टतः कह देना है कि समास में जहां दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, वहीं संधि में वर्णों का मेल होता है। बस अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।